है तब क्या होता है? अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाइए या यूरिन टेस्ट करवाइए ताकि हमें आपकी बीमारी के बारे में पता चले। तो आइए अब एक ऐसे इंसान के साथ बातचीत करते हैं जो इसी किस्म की लेबोरेटरी चलाते हैं जहां पर ब्लड और यूरिन की टेस्टिंग होती है, जिसे हम पैथोलॉजी लैब कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल पिछड़ मौजूद हैं। बताइए डॉक्टर पिछड़, एक लेबोरेटरी चलाने का अनुभव आपका क्या रहा है? जब सेंटर खोला 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, कोई पेशेंट नहीं आता था। अभी तो बाद में समझता है कि आप खोलने से कुछ नहीं होता है, आपको जाके सबको मिलना पड़ता है। सबको मतलब किसको? सब डॉक्टर्स को, पेशेंट्स तो वहीं से आने वाले हैं। तो वो सामने से पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो करके ऐसा होता है। हाँ, तो मतलब आपसे वो एक्चुअली कमीशन मांगते हैं। कमीशन मांगते हैं। तो कितना परसेंटेज वो मांगते हैं? 40-50%। 40 से 50? यस। दोबारा मुझे बोलिए, मुझे यकीन नहीं। 40 से 50% जितना आपका कॉस्ट होता है उसका। कुछ नहीं करने का? कुछ नहीं करने, वो लिख के देते हैं ना, वही कुछ है। लिख के देते हैं उसका। हाँ, तो गरीबों पे कितना असर होता है इसका? 50% तो रेट ही चल रहा है, तो 50% आप पकड़ लीजिए। मतलब आप डबल दे रहे हो, जितना आपको देना है उसका आप डबल दे रहे हो। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, पेशेंट्स को टेस्ट होता है, 1, 2 या 3 टेस्ट की जरूरत होती है, वो 12-15 टेस्ट करा लेते हैं। ये सही है? सही है। मुझे भी एक टाइम कहा गया था एक डॉक्टर ने कि बाबा हम लोग 10 लिख देंगे, आप बाकी नॉर्मल रिपोर्ट दे दीजिएगा। मैंने भी इसके बारे में सुना है कि मुझे किसी ने बताया था कि एक टेस्ट आता है उसको बोलते हैं बेसिन टेस्ट। हाँ। तो मैंने पूछा बेसिन टेस्ट मतलब? मतलब पेशेंट का खून लो और बेसिन में फेंको। सारे जो रिजल्ट्स है नॉर्मल दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं। मैं खामों का ऐसे ही भेज रहा हूँ। Am I right about this? Certain, हाँ, किया। आपकी फिर प्रैक्टिस अच्छी हो गई जब आपने? हाँ, काफी अच्छी हो गई थी, काफी फ्रेंड्स हो गए थे। हाँ, सब कुछ फ्रेंड्स होते हैं, सब डॉक्टर्स आपके फ्रेंड्स हो गए थे। हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पर्सनल ट्रेजेडी एक हुआ। अच्छा। एंड बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आप पाप करोगे तो आपको पाप मिलेगा, जो यही करना है सब कुछ। तो फिर एक दिन निश्चय किया कि नहीं, अब ये सब बंद करना है, जो होगा वो भगवान देखेगा। और फिर बाद में मैंने बंद कर दिया। तो ग्रेजुअली फिर मेरे दोस्त कम हो गए, रेफरल्स कम नहीं बंद ही हो गए। तो पहले जो मेरे पेशेंट्स रिपोर्ट लेके जाते थे सब एक्सेप्ट होते थे, आज मेरा लैब का जो रिपोर्ट रहता वो देख के कचरे के डिब्बे में फेंका जाता है। तो वैसे होता था। फिर बाद में पेशेंट्स आके काफी झगड़ा भी करते थे, हम लोग उसको यही समझाते थे कि मेरी मशीनरी वही है, मेरे रिएजेंट्स वही है, मेरे टेक्नीशियंस वही है, मेरे पैथोलॉजिस्ट वही है, नथिंग हैज चेंज। सिर्फ एक ही चीज बदली है कि जो मैं पहले 100-150 रुपए लेता था तो मैंने आज 50 रुपए में मैं सीबीसी करता हूँ, क्योंकि आपको किसी को देना नहीं है, कमीशन देना नहीं है। तो वो डायरेक्ट फायदा पेशेंट्स को जा रहा है, बाद में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। मैंने काफी बोर्ड भी बाहर डिस्प्ले किया है, कोई लैब डिस्प्ले नहीं करता अपने रेट्स बेसिकली। आपने ये भी बोला बोर्ड पे कि मैं कट नहीं देता हूँ? मैंने मेरे रिसेप्शन के वहाँ लिखा है, मेरे पैम्पलेट्स के वहाँ। हाँ। कि हमारे यहाँ किसी को कमीशन नहीं दिया जाता है करके। वाह, क्या बात। क्लियरली अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है, लोगों को भरोसा एक दफा भरोसा हो गया है और वो आपके पास आ रहे हैं। आपका लैब टेस्टिंग कहाँ कराते हैं आप? सांता क्रूज ईस्ट। तो मतलब आपका जो टेस्टिंग लैब है वो मेरे घर के काफी नजदीक है, और मैं आपका नंबर लेना चाहूंगा ताकि मेरी जितनी टेस्टिंग हो वो आपके लैब में हो। दोस्तों, हमारे सामने ये बात आई है कि कट प्रैक्टिसेस यानी कमीशन का लेना और देना न सिर्फ टेस्टिंग और लेबोरेटरीज के साथ कई बार होता है, बल्कि एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर के पास मरीज को भेजता है, रेफर करता है, तब भी बहुत सारे डॉक्टर्स कमीशन या कट्स लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम जुड़ेंगे 3G लिंक के जरिए डॉक्टर अमोल पंडित से, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर अमोल पंडित वेल्स इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं और एक खास किस्म की कैंसर सर्जरी के लिए ट्रेंड हैं, जो बहुत कम डॉक्टर्स कर पाते हैं। हाय डॉक्टर अमोल, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई विदेश में की, उसके बाद आपने हिंदुस्तान आने का फैसला किया, तो यहां आकर आपका अनुभव क्या रहा? वहां आने के बाद पहले कुछ ही दिनों में बहुत निराशा हुई। जब मैं अपने कलीग से मिलने गया, जो मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर थे, उनको जब मैंने कहा मैं आया हूँ और मैं इस तरह की सर्जरी यहाँ पे करना चाहता हूँ और अगर आपके पास पेशेंट हो तो प्लीज़ रेफर करिए, तो उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं रेफर कर पाएंगे जब तक आप हमें जो आप फीस चार्ज करोगे उसका परसेंटेज नहीं दोगे। तो कितना परसेंटेज मांगते थे आपसे ये डॉक्टर्स? 30-50% तक मांगते थे। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है जी। अच्छा, और बड़े अस्पतालों में आपका क्या अनुभव रहा? बड़े हॉस्पिटल में उनकी एक ही ऑब्जेक्टिव थी कि पेशेंट को आप इस तरह से उसकी डिजीज के बारे में बताएं कि वो इतना डर जाए कि वो सोच ना पाए और उनका सोच बदल जाए,
उसके पहले आप उनको ऑपरेट करें ताकि जो रेवेन्यू है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आपने ये बड़े अस्पतालों की डिमांड्स पूरी की और जो डॉक्टर्स आपसे कट मांग रहे थे उनको आपने परसेंटेज दिया? नहीं दिया, इसलिए तो वापस आना पड़ा। आप वापस चले गए और हिंदुस्तान में एक अच्छा डॉक्टर कम हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमोल हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऑपरेशन करवाना उनकी जिंदगी भर की बचत खत्म कर सकता है। कभी कभी बच्चों की स्कूल की फीस पर असर होता है, कभी घर गिरवी रखना पड़ता है, कभी जमीन बेचनी पड़ती है। और ऐसे में अगर 30%, 40%, कभी कभी 50% खर्च ऑपरेशन में नहीं बल्कि कमीशन में चला जाए तो यह निहायत ही दुख की बात है। और सोचिए आपके क्या जज्बात होंगे अगर ऐसा ऑपरेशन कराने के बाद आपको यह पता चले कि आपको इस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी।